हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विभानु लाइफ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गोभी आलू मटर की लाजवाब सब्जी। इस रेसिपी को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और यह गोभी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। हम आपको सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने की सामग्री बता देते हैं। हमने यहाँ पर ली है थोड़ी सी गोभी, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी हरी मटर के दाने लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे हमने छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और सारी सामग्री को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हमने लिया है 4 छोटे प्याज। यदि आप बड़े प्याज यूज़ कर रहे हैं तो प्याज की मात्रा कम कर सकते हैं। प्याज को हमने छील लिया है। 5-6 कलियां लहसुन की ली हैं, इसे भी हमने छील लिया है। इस प्याज और लहसुन का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तड़का डालने के लिए हमने एक प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज और लहसुन का पेस्ट हमने चिली कटर में तैयार कर लिया है। आप मिक्सर जार में या सिलवट्टे पर भी इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। इसी पेस्ट में हमने थोड़े से पिसे मसाले ऐड कर लिए हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। सब्जी मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। इसे ऐड कर देने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कुकर को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। कुकर में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी मेथी दाने ऐड कर देते हैं। मेथी दाने चटकने लगे हैं, इसी में हम प्याज का तड़का ऐड कर देते हैं। अब इसे हल्का ब्राउन होने तक पकने देते हैं। जब तक तड़का पक रहा है, हम इस मसाले को मिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और चम्मच से इसे मिक्स कर देंगे। तड़का भी पक चुका है। अब इस मसाले को इसी तड़के में ऐड कर देते हैं और कलछी से चलाएंगे। जो बाउल में मसाला लगा हुआ था, उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसी मसाले में इसे ऐड कर देते हैं और मसाले को पकने देते हैं। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है, इसे हमने वॉश कर लिया है। इसे हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। टमाटर को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मसाला भी अच्छे से पक गया है। मसाले का तेल अलग हो चुका है, इसका मतलब है मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं और कलछी से चलाकर मिक्स करते हैं। जब यह हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। टमाटर हल्का सॉफ्ट हो गया है, हम इसमें कटे हुए आलू ऐड कर देते हैं और कलछी से चलाते हैं। 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें कटी हुई गोभी ऐड कर देते हैं और मटर को भी ऐड करके कलछी से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं और एक बार इसे फिर से कलछी से चलाते हैं। 1.5 मिनट तक हम इसे बिना सीटी लगाए ढक्कन से बंद करके पकने देते हैं। 1.5 मिनट हो गए हैं, इसे हम खोलते हैं और एक बार फिर से इसे चलाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। जितनी ग्रेवी आपको रखनी है, उतनी मात्रा में पानी ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसे कलछी से चलाते हैं और सीटी लगा देते हैं। 2 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। दो सीटी आ गई है, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और प्रेशर निकलने के बाद इसे हम खोलेंगे। कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब इसे हम खोल कर देखते हैं। आलू गोभी मटर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है।
हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हम धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। धनिया पत्ती से सजाने के बाद यह सब्जी दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, सब्जी बनाने का यह बहुत ही आसान तरीका है। हमने इसमें कोई अलग से मसाला भी नहीं यूज़ किया है। जो मसाले आप घर में डेली यूज़ करते हैं, सिर्फ उन्हीं मसालों से हमने सब्जी बनाई है। यह सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू, बाय बाय।